Assalamualaikum everyone, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू चिकन लच्छा बाइट्स। सबसे पहले चिकन ले लेंगे जिसको हमने बाइट शेप में कटिंग कर ली है। एक प्याली के करीब चिकन है, इसमें डालेंगे आप मसाले। हाफ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई सुरख मिर्ची, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया बारीक बारीक कटिंग करके, दो हरी मिर्ची, हाफ टी स्पून साबुत जीरा। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका हाफ टी स्पून, तीनों चीजें ले ली हैं हाफ हाफ टी स्पून। अस्सलाम जी, 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर के, एक हमने पहले डाल दिया था, दो ये डाल। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने चिकन को ताकि सारे मसाले और ये कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप जरूर इस रेसिपी को बनाइएगा, बिल्कुल नई रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी आपकी फैमिली को। मसाले हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अपने आलू, दो आलू हमने ले लिए थे, इसको बारीक बारीक काट लिया पकौड़ों की शेप में। अच्छी तरह इसको हाथ की मदद से जो है वो मिक्स कर लेंगे। जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला था वो चिकन और आलूओं को जोड़ने के लिए हेल्प करेगा हमारी। देखें जी माशाल्लाह तैयार है हमारे चिकन बाइट्स फ्राई करने के लिए। इधर हमने ऑयल रख लिया हुआ है, अगर आपको कम लगे कोई कॉर्नफ्लोर या आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेसन का भी आप डाल लें, उससे ये क्रिस्पी टाइप जरा बन जाए। ऑयल हमारा रेडी है जी, अब कर लेते हैं फ्राई। देखें ऐसे हमने इनकी बाइट बना लिया, एक चिकन है बाकी ऊपर आलू लगे हुए हैं। आपने ऐसे इसको फ्राई करने के लिए छोड़ देना, माशाल्लाह देखिए बहुत मज़ेदार है। आप इसको जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा, जैसे कि आजकल रमज़ान चल रहा है, अपने इफ्तारी में बनाइएगा और दस्तरखान पर सजाइएगा। कर लेंगे जी इनको फ्राई अच्छी तरह और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कैसे बनते हैं हमारे चिकन बाइट्स। 2-2.5 मिनट बाद अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें जी माशाल्लाह अच्छी तरह ये कुक हो चुके हैं। अब अपनी दूसरी साइड से भी इनको पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। 2.5 मिनट उस साइड से पकाया, 2-2.5 मिनट इस साइड से। और कुछ हमने एक परागा जो है वो लगाया हुआ है एयर फ्रायर में, क्योंकि हम परहेजी से बंदे हैं और ऑयल को कम ही कंज्यूम करते हैं। चिकन बाइट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, अब इनको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डिजॉल्व होने के लिए छोड़ेंगे। माशाल्लाह चिकन बाइट्स हमारे रेडी हैं, साथ हमने केचप ले लिया, ये मिंट का रायता ले लिया। आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको अंदर से खोल के दिखा देते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ा हमारा। देखें माशाल्लाह कितना मज़ेदार बना, ये देखने में बड़ा क्रिस्पी और मज़े का लग रहा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और बहुत सारी खुशियों से नवाजे। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।